नहीं आई रोहिता रेवड़ी। हर किसी की जुबान पर एक ही फिक्रा था कि रोहिता रेवड़ी को कमोबेश आज की जनसभा में जरूर आना चाहिए था। याद रहे कि पानीपत की विधायक रोहिता रेवड़ी को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दी थी। उनके स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद विज को अपना उम्मीदवार बनाया था। याद रहे कि विधायक पति पर अनेक विवादों के कारण भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता था कि जीरो टॉलरेंस करप्शन की उनकी नीति पर कोई विरोधी दल उंगली उठाए। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को यह आशंका थी कि यदि रोहिता रेवड़ी को फिर से उम्मीदवार बनाया गया तो विरोधी दल के लोग विधायक पति पर उंगलियां उठाएंगे, जबकि प्रमोद विज सर्वथा नए उम्मीदवार हैं और उनके ऊपर कोई भी लांछन नहीं है, इसलिए प्रमोद विज पर भाजपा ने बड़ा दाव खेला है। उधर भाजपा संगठन को उम्मीद थी कि रोहिता रेवड़ी भाजपा के फैसले को स्वीकार कर लेगी और अभी तक उनका भाजपा के प्रचार में आना दर्शाता है कि रोहिता रेवड़ी टिकट कटने के दुख को हजम नहीं कर पाई है। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि मुख्यमंत्री की जनसभा में रोहिता रेवड़ी जरूर आएगी और भाजपा के चुनाव प्रबंधन ने इसके लिए प्रयास भी किया था, लेकिन किन कारणों से यह प्रयास सिरे नहीं चढ़ पाया यह अभी रहस्य बना हुआ है। हालांकि जनता का यह कहना है कि रोहिता के इस कदम से उनकी व्यक्तिगत छवि को धक्का पहुंचेगा, क्योंकि लोगों में यही संदेश जाएगा कि रोहिता रेवड़ी परिवार भाजपा में केवल टिकट के लिए आया था और यदि संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो परिवार का अतीत में और न ही वर्तमान में कोई खास महत्व रहा। अब क्योंकि पार्टी की सेवा का अवसर था, ऐसे में रोहिता रेवड़ी का पार्टी सेवा से दूर रहना न केवल कार्यकर्ताओं को बल्कि नगर के प्रबुद्ध जनों को भी अखर रहा है। लोगों को उम्मीद थी मुख्यमंत्री की जनसभा में रोहिता को आना चाहिए था, लेकिन रोहिता के एटीट्यूड से बीजेपी निराश हुई है। सिटी तहलका ब्यूरो रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।